डॉटर आराध्या को बच्चन सरनेम की लेगेसी का पाठ क्यों पढ़ा रही हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। अभिषेक ने कर दिया है रिवील कि बच्चन सरनेम उनकी फैमिली के लिए क्या मायने रखता है। अगर आपको लग रहा है कि ये है अभिषेक के नए बोल बच्चन, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि अभिषेक ने बताया है उनकी फैमिली के लिए आराध्या के ग्रेट ग्रैंडफादर से मिले इस सरनेम की क्या इम्पोर्टेंस है। साथ ही स्टोरी में अभिषेक बच्चन आगे ये भी रिवील करेंगे कि घूमर में उनका प्ले किया हुआ कैरेक्टर पदम सिंह सोधी क्यों है बिटर, नास्टी और अनप्लेजेंट पर्सन। बॉलीवुड में बच्चन फैमिली का क्या है स्टैचर ये भी सबको पता है और बच्चन सरनेम की इम्पोर्टेंस भी लोग जानते हैं। अभिषेक बच्चन ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में रिवील किया कि उनके लिए उनका सरनेम क्या अहमियत रखता है। अभिषेक ने कहा, माय सरनेम इज सेक्रेट टू मी, आई एम व्हाटएवर आई एम टुडे बिकॉज ऑफ माय सरनेम व्हिच वाज गिवन टू मी बाय माय ग्रैंडफादर एंड माय फादर डिड अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ फर्दरिंग दैट नेम एंड द डिग्निटी एसोसिएटेड विद इट। यही नहीं, ऐश्वर्या उनकी डॉटर आराध्या को बच्चन सरनेम की इम्पोर्टेंस कैसे समझाते हैं ये भी अभिषेक ने रिवील किया और कहा, आई सी माई वाइफ टीच दैट टू माई डॉटर, वी डोंट वॉन्ट टू पुट प्रेशर ऑन हर बट शी मस्ट बी रिस्पेक्टफुल ऑफ वॉट हर फादर, हर दादाजी, हर परदादाजी हैव डन एंड अचीव्ड एंड शी मस्ट रिस्पेक्ट दैट एंड नेवर डू एनीथिंग टू डिप्लीट दैट। इसके अलावा अभिषेक ने घूमर में उनके प्ले किए हुए पदम सिंह सोधी के कैरेक्टर पर बात की और कहा, I always looked at Paddy as the most sensitive, emotional person in the film. It was kind of just that his way of demonstrating that is the complete opposite, and that was kind of brief Balki had for me, and I enjoyed that because you don't really get a character who thinks one thing, but his way of displaying it is in a complete contrarian way. So I really enjoyed the fact that he has got the venomous tongue. He's very bitter, nasty, and not a very pleasant person. But these are all coming from a deep-rooted love for what he does. बता दे कि अभिषेक बच्चन और सयामी खेर स्टारर घूमर रिलीज हो गई है। फिल्म में अभिषेक बच्चन एक कोच के रोल में है, वहीं घूमर में शबाना आजमी और अंगद बेदी भी पिविटल रोल में नजर आएंगे।